मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज कक्षा नौवीं के गणित में हम बहुपद के शून्य के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है बहुपद के शून्य। उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। निम्नलिखित बहुपद लीजिए, पी एक्स बराबर है 5x3। देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर 5x3 ऋण 2x2 धन 3x ऋण 2। यदि पी एक्स में x के स्थान पर x बराबर यदि 1 रखा तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो x के स्थान पर जब 1 रखेंगे हम इस बहुपद में तो बराबर 5 × 1 होगा 3 ऋण 2, फिर से 1 होगा 2 धन 3 × 1 होगा ऋण 2। अब इसको बहुत इजी सॉल्व करेंगे। 1³ देखो बच्चों, 1³ का अर्थ होता है 1 को 3 बार गुणा करना। जब 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार 1³ को हल करते हैं, 1 × 1 = 1 होगा। ठीक, तो 5 1³ × 1 हो जाएगा ऋण 2 × 1 धन 3 × 1 होता है 3 ऋण 2। और सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5 होगा ऋण 2 धन 3 ऋण 2। ओके, अब यहाँ पे जो धन वाली है संख्याएं को जोड़ देंगे, धन 5 और धन 3 होगा 8 धन 8 और ऋण 2 और ऋण 2 हो जाएगा 4 के बराबर। अब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो शेष आएगा 4। ठीक, तो ये आएगा शेष 4। अतः हम ये कह सकते हैं कि x का मान 1 पर px का मान होगा 4। आप एक अगले उदाहरण से समझेंगे इसको भी। शून्य को जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 बहुपद x धन 2 के शून्य हैं कि नहीं। मान लीजिए px बराबर है x धन 2, यहां x बराबर हम यहां 2 रखेंगे, रखा x के स्थान पर जब 2 रखेंगे तो p x के स्थान पर आएगा 2 बराबर 2 धन 2। ठीक है, 2 धन 2 बराबर क्या होगा 4। अब फिर x के स्थान पर ऋण 2 रखेंगे तो p ऋण 2 बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा x के स्थान पर ऋण 2 धन 2, ऋण 2 धन 2 होता है ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आएगा। ठीक, अतः ऋण 2 बहुपद x धन 2 का एक शून्य है। स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बताया था कि शून्य के लिए हम किसी भी px बराबर बहुपद को शून्य करते हैं तो शून्य आना चाहिए। तो ये शून्य आ गया, इसका मतलब है कि x धन 2 जो है वो बहुपद का एक शून्य है, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है इसलिए वो शून्य नहीं होगा, यानी संख्या आ रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण, इंपॉर्टेंट है ये भी। उदाहरण बहुपद px बराबर 2x धन 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए आपको बताया था कि जो बहुपद है उसको हम करते हैं शून्य के बराबर इक्वल, तो करेंगे 2x धन 1 बराबर 0, फिर 2x बराबर धन 1 का यहाँ पक्षांतर होगा तो आ जाएगा ऋण 1। ठीक, x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1/2, अतः ऋण 1/2 2x धन 1 का एक शून्य होगा। ठीक, क्लियर हो बेटा? अब आगे एक प्रश्न को हल करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नावली 2.2, इसका प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x/2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तीन मान ज्ञात करने हैं, x बराबर 0 के लिए और x बराबर 2 के लिए।
पहले हम हल करते हैं x बराबर 0 के लिए बहुपद का मान। देखिए सवाल है अपना 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3, ठीक। इससे x बराबर 0 पुट करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 5 गुणा, जब कोई भी संख्या का इसमें चिन्ह नहीं होता है तो क्या मानते हैं, इंटू या गुणा, ठीक। तो 5 x के स्थान पे 0 पुट करना है, ऋण 4 गुणा x के स्थान पे 0 का वर्ग धन 3। इसको हल करते हैं, देखो 5 इंटू 0 होता है 0, माइनस 4 इंटू 0 भी 0 धन 3, उत्तर आएगा 3। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट, x बराबर माइनस 1 के लिए हल करते हैं। इसी प्रकार आपको दोनों हल करना है या आपके लिए होमवर्क है। अब एक अगला सवाल, आईएमपी प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको फिर से बता रही हूँ कि बहुपद के शून्य के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद लिख लेते हैं, इसके बराबर 0 लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, पी एक्स बराबर एक्स धन 5 बराबर 0। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुपद है एक्स धन 5, ठीक। तो एक्स धन 5 बराबर 0 ये कहलाएगा शून्य। अब एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो एक्स बराबर हो जाएगा 0 माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 को पक्षांतर करेंगे बराबर के स्तर, तो x बराबर हो जाएगा 0 में से 5 को जब घटाएंगे तो ऋण 5 ही उत्तर, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल नंबर 1 का सलूशन है, ठीक। आपने समझा इसको, इसी प्रकार आपको सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3 इसको भी हल करना है। इसको आप हल करेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपने बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा, समझा और इसकी प्रैक्टिस की, ठीक। आपको जो होमवर्क भी दिए जा रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में आप पूरा लिखेंगे अध्याय से, और जो सवाल दिए जा रहे हैं उनको भी हल करेंगे और दो दो बार हल करके बताएंगे।